नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज को। आपको पता है कि सिवान में साहबुद्दीन की पत्नी हीना साहब चुनाव हार गई। राजद की उम्मीदवार थी, उन्हें हराया कविता सिंह ने, जदयू की प्रत्याशी अजय सिंह की पत्नी। और जैसे ही सिवान का नतीजा आया, एक बात तेजी से वायरल होने लगी। आपको यह भी पता है कि काउंटिंग के बीच में हीना साहब मतगणना केंद्र पर पहुंची थी और इसके बाद थोड़ा आक्रोश बढ़ गया था। खैर, जीत कविता सिंह को मिली, सिवान का माहौल थोड़ा गरमाया, लेकिन जिला प्रशासन ने समय रहते काबू कर लिया। पर एक खबर तेजी से फैलने लगी और खबर दिल्ली तक पहुंच गई कि हीना साहब ने, साहबुद्दीन की पत्नी ने, सिवान लोकसभा क्षेत्र के जिस मतदान केंद्र पर वोट किया, वहां भी हीना साहब को कम मत मिले। तो क्या इसका आशय यह कि साहबुद्दीन के परिवार वालों ने, साहबुद्दीन के पड़ोसियों ने, गांव के लोगों ने हीना साहब को वोट नहीं किया? बात यह भी फैलने लगी कि मात्र 24 वोट मिले हीना साहब को उस बूथ पर। तो हमें लगा कि नहीं, इस खबर को चेक किया जाए, फैक्ट चेक किया जाए कि क्या सच्चाई है। हमारे सहयोगी शिवान में कुमार आशीष हैं, मैंने उनसे भी कहा और फिर हमने तमाम सारी जानकारियां जुटाई और जानकारियों का जो निष्कर्ष निकला, सबसे पहले हमने यह पता किया, mynetta.info पर गए और यह पता किया कि हीना साहब सिवान लोकसभा क्षेत्र के किस मतदान केंद्र की मतदाता हैं। तो उन्होंने जो चुनाव एफिडेविट दिया था, उसमें स्पष्ट वर्णित है कि वह सिवान लोकसभा क्षेत्र के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता हैं। आपको पता है कि साहबुद्दीन मतलब हीना साहब का गांव हुसैनगंज प्रखंड के प्रतापपुर में है। तो इलेक्शन के एफिडेविट में, जो उन्होंने एफिडेविट दी है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि वो रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की बूथ संख्या 24 की मतदाता हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में 257 नंबर पर दर्ज है, 257। तो फिर हमने इलेक्शन कमीशन से संपर्क किया और तमाम जानकारियां हासिल करने का प्रयास किया, तो फिर हमें वो माइक्रो रिजल्ट मिला जो बूथ की जानकारी बताता है कि किस बूथ पर किस उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो जैसा कि स्पष्ट है कि हीना साहब सिवान लोकसभा क्षेत्र के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 24 की मतदाता हैं। इसी बूथ पर उन्होंने मतदान भी किया था। अब हमारे पास इलेक्शन कमीशन की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी भी मौजूद है, जो यह बताता है कि जो खबर वायरल हो रही है वह खबर फर्जी है, क्योंकि जिस मतदान केंद्र पर हीना साहब ने मतदान किया है, बूथ संख्या 24, वहां कुल 654 वोट गिरे। इनमें से हीना साहब को 614 मत आए और कविता सिंह, जो जदयू की प्रत्याशी हैं, उन्हें मात्र 24 मत आए। अब देखिए, अफवाह फैलाने वालों ने क्या अफवाह फैला दिया कि हीना साहब को ही 24 मत आए और कविता सिंह को 614 मत आ गए। लेकिन सच्चाई यही है, मैं अपने वीडियो एडिटर को कह रहा हूँ कि वो स्क्रीन भी आपको दिखा दें जो इलेक्शन कमीशन ने मुझे दिया है, तो दस्तावेज दिए हैं कि हीना साहब को अपने मतदान केंद्र पर 614 मत मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी जदयू की उम्मीदवार कविता सिंह को मात्र 24 मत मिले। इस मतदान केंद्र पर 654 मत गिरे थे। एक बात और आपको बता दें, हीना साहब जहां मतदान करने पहुंची, जिस भवन में यह 24 नंबर का बूथ था, उस भवन में दो और बूथ थे, दो और मतदान केंद्र थे, मतलब वहां 23 नंबर बूथ था, 24 नंबर बूथ था, 25 नंबर बूथ था। हमने इसका भी फैक्ट चेक किया, क्योंकि जो लोग भी उस मतदान केंद्र पर पहुंच रहे थे वे प्रतापपुर, जो साहबुद्दीन का गांव है, वहीं के रहने वाले थे। तो मुझे लगा कि नहीं, 24 का तो हमने चेक कर लिया और यह खबर फर्जी निकली कि वहां हीना साहब को कम मत मिले।
तो क्यों नहीं जो बगल के बूथ हैं, मतलब उसी गांव के बूथ हैं और उसी गांव के लोग मतदाता हैं, उनका भी जानकारी प्राप्त कर लें। तो 23 नंबर बूथ जो प्रतापपुर गांव का ही है, वहां देखिए 815 मत गिरे और इनमें से हीना साहब को 696 मत मिले और कविता सिंह को मात्र 73 मत। मतलब 23 नंबर बूथ पर भी हीना साहब ने लीड हासिल करी। 24 नंबर बूथ जहां हीना साहब ने खुद वोट किया था, वहां भी वह लीड की। अब 25 नंबर बूथ की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि यह उसी भवन में था जहां 24 नंबर बूथ था जहां हीना साहब ने वोट दिया था। तो 25 नंबर बूथ पर 602 मत गिरे, इनमें से 403 मत मिले हीना साहब को और कविता सिंह को मिले 122 मत। तो देखिए तीनों मतदान केंद्रों पर हीना साहब ने लीड हासिल की। यह दूसरी बात है कि जब पूरा नतीजा आया सभी विधानसभा क्षेत्रों का, सभी मतदान केंद्रों का, तो हीना साहब चुनाव हार गई, कविता सिंह चुनाव जीत गई। तो जो ये खबर वायरल हो रही थी कि हीना साहब ने जिस बूथ पर मतदान किया वहां उन्हें मात्र 24 मत ही मिले थे, यह खबर फर्जी है। हमारे फैक्ट चेक में खबर सच्ची ये है कि हीना साहब को अपने बूथ पर 614 मत मिले थे और कविता सिंह जदयू की प्रत्याशी को मात्र 24 मत मिले थे। तो मुझे लगा कि यह जानकारी आपको जरूर उपलब्ध करा दें, क्योंकि जो वायरल हो रही है गलत खबर उसके बारे में आप सच्चाई जान सके, तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी थी। हमने यह जानकारी आपको उपलब्ध करा दी है। आप देखते रहिए और ऐसी ही कई जानकारी लेकर हम आपके पास आएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। कितना मिनट हो गया?